after number two is basic concepts qualities related to national economy. Also, the last concept for it, what is final good, what is distributed good, what is consumption good, what is capital good, and other related concepts such as sectors of economy, what is the tax of income, what is the tax of production, what is the concept of stock and book. Ask for start currently national government related entities. Especially, we focus on related entities to national finance. So, first of all, national government has to be something, national government has to be something. National government is the first total of tax income earned by the normal citizens of a country during an economic period. Net income is the sum total of taxable income earned. Either we can say earned or we can say generated by the normal resident of a country during the period of an accounting year. Other terms can be put as the same. The net income is the sum total of the money value of all final goods and services value by the normal resident of a country during the period of an accounting year. Accounting year after the accounting year, after first annual discharge target for next year is 31st March or 7th March. Are you going to do this? Now, we have a goal we have to come in like this. Take a factor in the term of normal business. So, what is normal business? What is normal business? Here it is. Normal resident is a person or institution. Now we take a person or institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest lies in that country. They are not ordinarily resides in a country, not so the first eight values is the other thing. दूसरा के पास आता है फैक्टर पेमेंट. इसे हम फैक्टर पेमेंट भी कहते हैं, जिसमें रिसीट या क्रेडिट रिसीट या पेमेंट. फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट आर द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट टू द हाउसहोल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज. अब जो हमने पहले पढ़ा था कि जो हाउसहोल्ड है वो ओनर ऑफ फैक्टर है, और ओनर ऑफ फैक्टर मीन जिनके पास लेबर है, जिनके पास लैंड है, उनके पास कैपिटल है या एम्प्लॉय है, उनकी सर्विसेज के बदले में जो पेमेंट देते हैं प्रोड्यूसर हाउसहोल्ड को, दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट. क्लियर? अब ये तो आपका नेचुरल इनकम है, विच इज अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट. मेन फोकस हमारा किस पर है? नॉर्मल रेजिडेंट पर. जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं, जिसे हम डोमेस्टिक फैक्टर इनकम भी कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं. डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न और जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. ओके बच्चों, ये हम आपसे बाकी की रेडी सेम है, लेकिन जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी यहाँ था बाई द नॉर्मल रेजिडेंट. यानी एक जब आपके सामने और आता है जिसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी दूसरों को लगता है इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में देखते हैं, हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है, उसके अलावा हमारी दूसरी बाउंड्री है, हमारे जो शिप है एयरक्राफ्ट है जो दूसरे देशों में चलते हैं, हमारे टीचिंग वर्कर्स है. सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग वर्कर्स, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ पर ध्यान देना है कि हमारे जो एम्बेसीज हैं या कॉन्सुलेट्स या दूसरे देशों में है. आपको पता है हर कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन होते हैं, पॉलिटिकल रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन. उसमें आपके दूसरे कंट्री में हमारे एम्बेसीज होते हैं, दूसरे कंट्रीज के एम्बेसीज हमारे साथ होते हैं. अगर आप दिल्ली में होंगे शांति का देखा होगा, आपको इसराइल का दूतावास दिखेगा, आपको अमेरिका का दूतावास दिखेगा, आपको पाकिस्तान का दूतावास दिखेगा.
who can basically observe if the name is found for the human. So this country and the spirit is domestic. Yes, other India and Pakistan and the spirit, how can these two parts of the world? Because these two really is the most important. Pakistan and India. लेकिन पाकिस्तान में तो भारत एंड दूतावास है वहां जितने भी वर्कर्स होंगे मे भी पाकिस्तानी मे भी इंडियन वो जितना भी अर्न कर रहे होंगे दैट इज द डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया. अगेन इसके लिए हम आपको एक छोटा सा इसको कहते हैं कि हिंट देते हैं कि दिमाग में हमें क्या फिट कर देना है. जिसकी एम्बेसी उसकी डोमेस्टिक कैटेगरी उसका जीडीपी. आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान से पढ़िए. जिसकी एम्बेसी उसकी डोमेस्टिक कैटेगरी उसका जीडीपी. क्लियर हो गया डोमेस्टिक कैटेगरी का कॉन्सेप्ट. अब रिलेटेड एग्रीगेट्स जानने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट आपसे और क्लियर करते हैं. कल इनमें से कुछ के बारे में बात हो रही थी, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं. यहाँ जो भी कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे या तो ग्रॉस मिलेंगे या नेट मिलेंगे, चाहे नेशनल इनकम हो चाहे डोमेस्टिक इनकम हो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डोमेस्टिक नेशनल. तो इस ग्रॉस एंड नेट के बीच का डिफरेंस इस पर हमें फोकस करना है. इस बीच में सिर्फ डिफरेंस इज डेप्रिसिएशन. यानी ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन. Or we can say net is equal to gross plus depreciation. Gross value में से जब depreciation minus करते हैं तो हमें net concept होता है. depreciation gross को मैंने बता चुकी क्या है. Fixed assets में normal year and year या no operations के कारण उनकी value में जो कमी आती है वो आपके कहलाती है depreciation. लेकिन ये प्रोडक्शन प्रोसेस में है, किसी नेचुरल कैटेगरी के कारण अगर वैल्यू खत्म हो गई, वैल्यू में कमी आ गई, देन इट इज नोन एज कैपिटल लॉस नॉट डेप्रिसिएशन. एक चीज और बच्चों आपको पहले भी बताया, डेप्रिसिएशन जब न्यूमेरिकल टर्म्स में होते हैं तो जनरली इसको डेप्रिसिएशन के रूप में आपको नहीं मिलता है. आपको मिलता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. Means depreciation is known as consumption of fixed capital क्योंकि उसकी वैल्यू कम होती है. जिसके हम मेंटेनेंस करते हैं उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट का अफोर्ड करते हैं. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ग्रॉस एंड दूसरे आप देखेंगे जो भी कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे चाहे नेट इनकम का हो या डोमेस्टिक इनकम का हो वो या तो मार्केट प्राइस पर होगा या कैपिटल कॉस्ट पर. पहले तो फॉर्मूले में देख लेते हैं फिर आपको बताते हैं. मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. एनआईटी मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड दिस एनआईटी इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी. मींस एनआईटी इज इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडीज. तो जब हमें फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो मार्केट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस निकालेंगे फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी. फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट का प्राइस प्लस एनआईटी. ऐसा क्यों है समझ लीजिए कि कोई भी चीज को प्रोड्यूस हुई वो डिफरेंट फैक्टर इनपुट्स जो हमारे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उन्होंने नॉन फैक्टर इनपुट में वैल्यू होती है. तो जो प्रोड्यूस होता है वो फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है वही हमारा फैक्टर कॉस्ट होता है. रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, बिजनेस सैलरी है, ये मिलाकर के हमारा क्या हो जाता है फैक्टर कॉस्ट. लेकिन कई बार क्या होता है कि जो चीज प्रोड्यूस हुई है तरह तरह के टैक्स लगते हैं. पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, अब बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी जीएसटी हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज है. तो ये जो टैक्सेस लगेंगे ये जो लग रहा है किससे वसूल होता है कंज्यूमर से, यानी कमोडिटी का प्राइस आपको बढ़ जाएगा. तो टैक्सेस के कारण प्राइस में बढ़ोतरी हुई लेकिन कई चीजों में गवर्नमेंट सब्सिडी देती है प्राइस नीचे लाने के लिए. रेड्यूसर को जो सब्सिडी दी उससे उनकी कॉस्ट घट जाती है. तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो सब्सिडी है
वो क्या करती है अल्टीमेटली मार्केट प्राइस में कमी आती है. अगर गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाए सिर्फ सब्सिडी दी है तो फैक्टर कॉस्ट से सब्सिडी माइनस करके हम मार्केट प्राइस निकाल लेंगे तो पहले से कम होगा. लेकिन अगर टैक्सेस भी लगे हैं इनडायरेक्ट टैक्स और गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दी है तो इनडायरेक्ट टैक्स जो सब्सिडी के डिफरेंस को हम एड करने के फैक्टर कॉस्ट पे तो अपने मार्केट प्राइस को तीसरा कॉन्सेप्ट आप देखेंगे पूरे नेशनल इनकम में वो नेशनल प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जैसे नेशनल इनकम है डोमेस्टिक इनकम तो नेशनल प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच एक डिफरेंस है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल and domestic product is equal to national product minus net factor income from abroad. तो आप सोचेंगे factor income from abroad क्या है? पहले तो formula देखिए. factor in net factor income from abroad is equal to factor income earned by the residents of our country in rest of the world. तो हमारे residents हमारे normal residents ने rest of the world के earn किया है. वो फैक्टर इनकम हमारे देश की नेशनल इनकम के लिए ऐड होता है. लेकिन हमारे देश में कुछ नॉन रेजिडेंट्स भी हैं उन्होंने जो अर्न किया हमारे देश के अंदर दैट इज फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉन रेजिडेंट्स इन आवर कंट्री इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी वो माइनस हो जाएगा और इस तरीके से डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल जबकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट फैक्टर इनकम. अमेरिकन ने कई बार नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ले लिया. टू अब्रॉड का मतलब क्या हुआ? फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉन रेजिडेंट्स इन आवर कंट्री माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय द रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ साइन बदल जाएगा. यहाँ साइन बदल जाएगा कि हमें क्या करना है? जो हमारे रेजिडेंट्स ने अर्न किए उसको हमें ऐड करना है. जो नॉन रेजिडेंट्स हमारे कंट्री से अर्न करके ले जा रहे हैं उन्हें माइनस करना है. अगर अमेरिका ने नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है तो प्लीज साइन चेंज कर देंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड उसको बहुत ध्यान से लिखी गई है और नेशनल प्रोडक्ट प्लस चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो चाहे नेशनल प्रोडक्ट हो या वो क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या तो क्रॉस नेशनल इनकम होगी या नेट नेशनल इनकम होगी. और डिफरेंस क्या है? डेप्रिशिएशन का डिफरेंस है. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डेप्रिशिएशन क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिशिएशन. ये आपको लिख के दिखा देते हैं. एनपीवी एनपी माइनस प्लस डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू और इसी तरीके से जीडीपी एनपी माइनस आपका डेप्रिशिएशन एनडीपी. अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल प्रोडक्ट जो भी है या तो ग्रॉस है या नेट साथ ही साथ या तो मार्केट प्राइस पर है या फैक्टर कॉस्ट पर है. वो तो मार्केट प्राइस पर है या फैक्टर कॉस्ट पर. अब यहाँ देखिए अगर हमें जी डी पी एफ सी निकालना है जी डी पी एफ सी से तो जी डी पी एम पी माइनस नेट के डायरेक्ट टैक्स जी डी पी एफ सी जी डी पी एम पी माइनस नेट डायरेक्ट टैक्स जी डी पी एफ सी में जाएगा. इसी तरीके से एन डी पी एफ सी की बात करें तो ये हमारा एन डी पी एम पी माइनस नेट इनकम टैक्सेस एनडीपी सीओ क्लियर.
यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट के चार एग्रीगेट्स हैं जीडीपीएमपी एनडीपीएमपी एनडीपीएमपी एंड ये चार तो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हो गए। डेफिनेशन सेम रहेगी जो एक बार आपने किताब पढ़ी है उसी हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे, बस ये बताएंगे कि क्या इसमें ज्यादा इनपुट है क्या नहीं इनपुट है। अब नेचुरल प्रोडक्ट पर आ जाते हैं, यहाँ पर जीएनपी एनपी फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल बिजनेस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इकोनॉमिक ईयर इंक्लूडेड। वो चीजें एक तो इट इज मेजर्ड एट मार्केट प्राइस एंड इट इज इट ऑलरेडी इंक्लूडेड इट इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन। तो इसको अगर हमने एनएनपी एनपी से निकाला तो हम एनएनपी एनपी प्लस डेप्रिसिएशन इसी तरीके से अगर एनएनपी एनपी हमने जीएनपी एनपी से निकाला हमने तो माइनस हमारा क्या जाएगा सेम जैसे इधर डोमेस्टिक प्रोडक्ट का निकाला है इसको भी निकाल सकते हैं जीएनपी एफसी। एक तो इसको हम नेट कर सकते हैं, दूसरा हम इसको मार्केट प्राइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा मार्केट प्राइस दोनों एफसी तो इसको मार्केट प्राइस में भी कर सकते हैं इससे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे आप जीएनपी एफसी हमारा इसमें अगर जीएनपी एनपी से हम निकालें तो माइनस एनआरपी हम निकालेंगे जीएनपी एफसी। इसी तरीके से दूसरा आता है एनएनपी एनपी जिसमें हमने एनआरपी माइनस किया तो हमको मिल जाएगा एनएनपी। लेकिन एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट में जाने के कई तरीके हैं। जैसे यहाँ पर आ सपोज हमको जीडीपी एनपी से एनएनपी एफसी पर जाना है, अमेरिकन में जीडीपी एनपी क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, डेफिनेशन क्या है, फैक्टर इनकम फॉर्म है, फ्रॉड है, फैक्टर डिफरेंस है, फ्रॉड है, हम कैसे जाएंगे। अब हम निकालो है एनएनपी एफसी तो इसमें से सबसे पहले हम क्या माइनस करें डेप्रिसिएशन तो हमको मिल जाएगा एनडीपी एनपी। दूसरी चीज देखिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में चेंज करना है, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमको मिलेगा और एनडीपी एफसी को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं या डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। यह हमेशा ध्यान रखेंगे डोमेस्टिक फैक्टर इनकम या डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एफसी है जबकि नेशनल इनकम हमारे क्या है एनडीपी एफसी। तो इसमें आप किसी भी एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट पर जा सकते हैं। इसके लिए इजी पता अगर आप सीखना चाहते हैं आपको बताते हैं वो इजी पता क्या है कि जो भी चीज हमें दी गई है सपोज हमें गिवन है एनएनपी एफसी और कैन है कैलकुलेट जीडीपी एफसी। जो कैलकुलेट करना होता है वो हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, जो गिवन है उसे हम कहा रखते हैं राइट हैंड साइड। अब बच्चों अपनी सुविधा के लिए हम तीन मिसेलेनियस को डिवाइड कर रहे हैं, एक ग्रॉस वर्सेस नेट, दूसरा डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल प्रोडक्ट एंड तीसरा है फैक्टर कॉस्ट वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। अब जहां जहां डिफरेंस है उसको हम चेंज करते जाते हैं। ये नेट है हमको ग्रॉस चाहिए तो हम ये डेप्रिसिएशन को नेट से ग्रॉस पर जाने के डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया। नेशनल प्रोडक्ट दिया है डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर जाना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में माइनस करें
अब ये एफसी है, ये एफसी में तो चेंज नहीं करना। हाँ, अगर ये एमपी होगा और एफसी निकालना होता तो मैं आईटी माइनस कर दूँ, यदि एफसी होता हमें एमपी निकालना होता तो हम एनआईटी प्लस करेंगे। एनआईटी प्लस करने का मतलब है प्लस आईटी माइनस सब्सिडी, और एनआईटी माइनस करने का मतलब है माइनस आईटी प्लस सब्सिडी। जब भी न्यूमेरिकल में करिए ब्रैकेट में लिखिए, देन ब्रैकेट ओपन करिए, क्योंकि कई बार आपको न्यूमेरिकल में इनडायरेक्ट टैक्स देते ही नहीं, सिर्फ सब्सिडी दे देते और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, पूरा फॉर्मूला लिखिए, देन ब्रैकेट ओपन करके आराम से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम आर बाय द नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग डोमेस्टिक इनकम है, फैक्टर इनकम, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम आर नॉट जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग वन अकाउंट ईयर। अब इसके हमारे पास दो तीन टर्म्स आ गए, नॉन रेजिडेंट वो पर्सन भी हो सकता है, वो इंस्टीट्यूट हो सकता है। जैसे SBI की टर्म अब्रॉड में है तो भारत की कंपनी है, उसके नॉर्मल जो उसके भारत के नॉर्मल रेजिडेंट है, उसके सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत में है, इंडिया में है। तो एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन जो ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड वो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट सेम कंट्री और रिसाइड ऑर्डिनरली रिसाइड की बात करें तो एक साल। लेकिन याद रखो बच्चों, कभी भी कोई स्टूडेंट चाहे जितने साल में पढ़ने जाए तो अपने ही कंट्री जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक नौकरी करते हैं। कोई पेशेंट इलाज कराने जाए तो साल में ज्यादा लग जाए, लेकिन वो वहाँ का नहीं अपने ही कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होता है। कोई घूमने जाए ज्यादा दिन घूमता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये अपने ही कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। उनकी अवधि नहीं देते कि कितने टाइम कितने टाइम पीरियड को होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी की, ये इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहलाती है, जिसमें हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री और सी बाउंड्री के अलावा हमारे जो देश होते हैं, अगर आप दूसरे देशों के साथ चल रहे हैं, हमारे जितने प्रोटीन वेसल्स वगैरह हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट नाम इस पर बात करते हैं जो हमारे कॉन्सुलेट्स हैं या जो हमारे एम्बेसीज हैं जो विदेशों में हैं, वो जिस कंट्री के हैं उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। एक चीज आप और देखेंगे कि आपके दिमाग में आएगा कि मान लीजिए इंडिया में WHO का ऑफिस है और उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो यूनियन काम कर रहे हैं, वो इंडिया का जीडीपी भी चलाएगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी वो इंटरनेशनल बाउंड्री में आ गया, जो आपका WHO है, WHO है, IMO है, लेकिन वहां इंडियन काम कर रहे हैं। अभी आपको जो है बता दें कि नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम एक एम्बेसी का अकाउंट ले लेते हैं इंडिया में, डोमेस्टिक एम्बेसी जिसमें हमारे इंडियन भी काम कर रहे हैं और अमेरिकन भी काम कर रहे हैं, जितना भी अर्न कर रहे हैं सारा जीडीपी वैसे कर रहे हैं, वो हमें आपको याद रखा जिसकी एम्बेसी उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी कर। लेकिन जो अमेरिका उसमें वर्क कर रहे हैं दे आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, लेकिन जो इंडियन काम कर रहे हैं वो वही डेमोक्रेटिकली रह रहे होंगे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ डेमोक्रेट, समझ गए। और वही जितना अर्निंग करके जा रहे हैं वो फैक्टर का काम है, तो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट दूसरे के डोमेस्टिक टेरिटरी से अर्निंग करके आ रहे हैं, तो फैक्टर का फ्रॉम एब्रॉड। और इसी तरीके से अमेरिका में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी जो एम्बेसी है उसमें जो अमेरिकन काम कर रहे हैं वो फैक्टर का टू एब्रॉड, अमेरिका के नॉर्मल रेजिडेंट है, लेकिन जो इंडियंस वहां काम कर रहे हैं तो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट है। इसमें आप इससे बेस हम आपको न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट इसमें प्रैक्टिस करवाएंगे, तो मेरे ख्याल से आपको इतना क्लियर हो गया होगा।
the gross and net mechanical constraint, capacity mechanical constraint. Market price reflect the cost mechanical constraint, so trade difference in the current gap system, or national product and domestic product, net mechanical income, common product. और इस तरीके से आठ यूनिट के डिटेल्स आपके सामने हैं, चार डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, चार नेशनल प्रोडक्ट के, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी दो मार्केट प्राइस के डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गए, और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसी तरीके से नेशनल प्रोडक्ट के जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और इसमें एक चीज हमने आपको बताई है कि एनएनपीएल एफसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं जबकि एनडीपी एफसी को डोमेस्टिक फैक्टर इनकम कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।